लंबा थकेश के साइज का भी आया नहीं, थोड़ा लंबा जाता है, सलवार छोटी पड़ी थी जो मैंने यहाँ बनवाया। नहीं यार कैसा लग रहा है भाई, जीत गए, पहला मैच था ECL का, फर्स्ट मैच जीत गए, ऑफिशियल बात है भाई, हम जीते तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमारी टीम ने आज, मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहली बार यूनिटी दिखाई, नहीं तो हम लोग ऐसे कहते हैं बैटिंग क्यों नहीं आ रही, बैटिंग क्यों नहीं आ रही, बट आज जो हुआ ना भाई, मैं लास्ट ओवर तक यूं हो गया था कि धक्का खुला था, मेरे बहुत ज्यादा धक्का खुली थी भाई, मैं देख रहा था भाई, बट राम जी कृपा भाई हम जीत गए। और कुटकुट भाई भाई ने एक तरफा मैच कर दिया, रिबू भाई खासकर रिबू भाई ने लास्ट में जिन्होंने मारे भाई अल्टीमेट, कभी भी नहीं लगा जब पहली नहीं खत्म हुई थी तब सबसे जीत गए। रजत भाई पहलवानी काम है ये, मतलब क्या चौके छक्के खेल लिए हर स्टेट, ध्यान से अगर देखा होगा हम में से कोई बल्ला रोकता ही नहीं है, चौके और सिंगल की कोई सोचता ही नहीं, 10 ओवर है तो मार के खेलना है और उसी हिसाब से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्या है स्टार्टिंग से जिस हिसाब से खेल रहे हैं आदत उसी हिसाब से है, तो वो चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है और वो चीज हेल्प कर रही है। अब बर्थडे का क्या प्लान है, अभी रात को पार्टी करनी है, पूरी टीम ने मेरे को गिफ्ट दिया है, आपने कल एक अभिषेक के सेकंड तक आ जाना, तो अभिषेक आज भी नहीं आए हैं, तो क्या लगता है कि इनको कहीं ना कहीं डर है आपसे, प्राउड की बात है हमारे लिए कि हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिता भी रहे, बट टीम ने लास्ट नाइट ही प्लान किया था कि जीत को एल्विश भाई का बर्थडे है कल का, तो सब नाइट तो उसके लिए टीम ने बहुत मेहनत करी, सबने यूनिटी दिखाई जो हमारी टीम में कभी होती नहीं थी, बट एट लास्ट दिखाई। एल्विश अभी तक की आपकी लाइफ का सबसे बर्थडे गिफ्ट सबसे बेस्ट है? हाँ भाई सबसे बेस्ट है वैसे, और ये बहुत लकीली डे था, आज ही जीते और आज ही बर्थडे है। हाँ भाई ये वैसे मैंने सोचा नहीं कि कौन सा गिफ्ट कौन सा बर्थडे मेरा, हर बार मेरे बर्थडे खराब ही जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बुरा होता था मेरे साथ, इस बार पहली बार शायद मेरी दशा बदल गई और कुछ अच्छी चीजों से शुरुआत हुई। गलत नहीं बोल रहे हो, जब आपकी विकेट गई तो अभिषेक आपकी बात आया था, मतलब वो सही लगे गए तो गुस्सा आया, नहीं वो स्टार्टिंग में आया था, कह रहा कि हाथ कांप रहेगा मेरे, हाँ देखा होगा आपने, बट यार जो कीपर है उनका बहुत अच्छी कैच पकड़ी भाई, गलती बस मैं क्या ही बताऊं यार, जो लगती है उसने पकड़ ली किसी तरह, अगर मैं रुक जाता तो और थोड़ा मैं अच्छा। एल्विश को तीन चीज आप इसमें शेयर करना जिससे आपको अनुभव हुआ इसमें, वो चीयर गर्ल भी के लिए आपने बोला था, आपकी एक तो चीयर लीडर मिसिंग तैयार तो एक दिन की मिसिंग नहीं, जो तीन चीज मैंने इस मैच से सीखी वो ये है कि डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, दूसरी चीज की यूनिटी इज पावर, और तीसरा ये कि मारे जाओ क्या है, तेज तेज पे मारते हैं हम लोग ना, हम सारे तेज हैं दिमाग से भी और वैसे भी, तो एकदम से वो नहीं पता कहाँ से आ गया वो इतना स्लो मैच वाला बच्चा, अभी सेट एंपायर कर दिया आपने, एंपायर सेट कर रखा होता तो मुझे आउट क्यों देता, वो बताओ ना मुझे ही आउट दे दिया ना उसने, तो एंपायर ऐसे नहीं होता भाई, भाई देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी हमें स्पिन में थोड़ी दिक्कत हुई आज, जैसे मैंने देखो हैट्रिक ले ली हुई तो वो चीज थोड़ा ठीक करना है हमको, और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे करना है कि कैसे कौन टीम को संभाल सके, तो सात भी मार सकता हूँ अगर कोई नौ बॉल, जब भाई का प्रेशर होता है तो आठ बॉल भी पड़ी थी, आपने देखा मैच लोग आ रखे थे यहाँ पे, तो सब लोग को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरा शोर मचा रखा था और जीतेगा और जीतेगा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती जब कोई आपके लिए चीयर करता है, और मैं चाहूंगा कि आगे भी ये लोग आए मैच देखने और ऐसे प्यार भाई, तो हम आ गए ना बस अब देखते रहो, मैं देखो अभी तो उसका मैच है, मैं विश करूंगा कि ऑल द बेस्ट भाई, वो मैच देख रहे थे सबका पीछे से देख रहे थे उसका ही, ठीक है तो देखो शायरी तो क्या है, शायरी से नहीं जीता जाता, स्किल होनी चाहिए तो स्किल दिखाएगा तो जीत जाए। रजत आप कुछ बताएं, कुछ आपको कैसा लगा इसमें मैच? देखो सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि अगर कम्पिटिटिव गेम है तो वो जीतने का ही हिसाब है, यहाँ पे कोई एक प्यारा बन के खाली अकेले इंडिविजुअल गेम है नहीं, 11 के 11 खिलाड़ी अपना पूरा एफर्ट देंगे तो खींच देंगे, स्टार्टिंग से हमारी टीम ना एक साथ खेलती है ये बहुत टाइम से, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से कोई खिलाड़ी चुना है, कहीं बाहर से कुछ बुलाया है, मोस्टली हमारी जो मेजोरिटी है वो यही है कि हम सब साथ में ही खेलते हैं,
तो वो जो बॉन्डिंग है स्टार्टिंग से ना, तो वो एक दूसरे पे भरोसा जो होता है वो स्टार्टिंग से बना हुआ है। तभी जो एंड टाइम तक था ना, हमें प्रेशर था, फील हो रहा था वो आखिरी के दो तीन ओवर में, पर इतना भरोसा था कि हाँ हमने बंदे को देखा है, उसने एक चीज करी है पहले भी, वो दोबारा नहीं बन सकती।